हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं आज आप लोगों को आंवले का अचार दिखाने जा रही हूँ बना करके। उसके लिए मैंने आंवले लिए हैं, अदरक लिए है, लहसुन लिया है और हरी मिर्च ली है। और आंवला, अदरक, लहसुन तीनों चीज़ों का मिक्स करके अचार बनाऊँगी। और उस एक नींबू लिया है, बाद में नींबू का रस डालूँगी। तो मैंने पहले अदरक और मिर्च और लहसुन सब छील करके और मिर्च धो करके सुखा के काट ली है, अदरक को धो करके सुखा के काट लिया है और आंवला लिया है। और मैंने पानी जो है बॉयल करने के लिए रख दिया है। मेरे आंवले 10 से 15 मिनट में आंवले बॉयल्ड होंगे हमारे। आंवलों को उबालूंगी। देखिए, हमारे आंवले उबल जाएंगे 15 मिनट तक के लिए। और फिर मैं उसके बाद फिर मैं आंवलों को ठंडा करके फिर अचार बनाऊँगी। इसके लिए मैंने आंवले और अदरक और मिर्च के अचार के लिए मैंने धनिया लिए, सौंफ लिया है और मेथी लिए और पीली सरसों लिए और लाल वाली सरसों लिए। तीनों सब मसाले को मैं रोस्ट करूँगी। हल्की सी खुशबू आने लगे, रोस्ट होने लगे, बस इसको मैं निकाल लूँगी, कढ़ाई बंद कर दूँगी और निकाल लूँ। आजकल सर्दियों का मौसम है, मार्केट में आंवले बहुत आ रहे हैं, इसलिए आंवलों का अचार बहुत ही अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। लहसुन भी फ़ायदेमंद है, अदरक भी फ़ायदेमंद है और आंवला तो है ही फ़ायदे की चीज़, इसलिए इसका अचार बनाना बहुत अच्छा होता है। देखिए, हमारे मसाले भुन चुके हैं और मैं अब गैस बंद कर दी। देखिए, इधर आंवले हमारे बॉयल्ड हो चुके हैं। अब मैं इन आंवलों को निकाल लूँगी और ठंडा होने तक मैं इसको रख दूँगी। ठंडे हो जाएंगे फिर मैं तब इनको काटूँगी। देखिए, हमारे आंवले उबल चुके हैं और देखिए ठंडे हो गए हैं। अब मैं आंवलों को काट करके उससे गुठली निकाल दूँगी। छोटे छोटे टुकड़े आपको जिस तरह से पीस रखने हैं उस तरह से आप काट लीजिए आंवलों को अपने हिसाब से। देखिए, आंवले हमारे कट के। ये आंवला कट गया और इसकी गुठली मैंने हटा दी है। ये आंवले हमारे कट चुके हैं। इसी तरह से मैं सारे आंवले काट लूँगी। लेकिन मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और सरसों का तेल मैंने डाला है। अचार में तो वैसे भी सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म होने तक पहले मैं इसमें, सबसे पहले तेल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें मैं लहसुन डालूंगी। तेल हमारा गर्म हो गया, मैं लहसुन डाल दूंगी। तब हमारा ये सूखा हुआ है, मैंने सब धो करके सुखा के, पानी नहीं है इसमें बिल्कुल भी, धो के सुखा करके फिर मैं अदरक डालूंगी। अदरक डाल दें, हरी मिर्च नहीं डालेंगे, हरी मिर्च अभी गल जाएगी। जब हरी मिर्च बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। आंवला डाल दिया है। देखो, जो भी पानी होगा ना, इसको इसलिए फ्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी जो पानी होगा और गर्म रहेगा तो इससे सारा पानी मर ही जाएगा। वैसे मैंने इसको सुखा लिया एकदम से। ये देखिए, सारा हमारा ये सूख गया है। लहसुन हो गई, अदरक हो गई, आंवला हो गया। अब मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। हल्दी और हींग, हींग भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके जो भी मसाले हैं वो कोई चीज़ नुकसान करने वाले नहीं है, सब फ़ायदे की है। हींग, अदरक और जो मैंने अचार वाला मसाला भून करके रखा था, बहुत मोटा मैंने पीसा है, बहुत महीन नहीं किया है मसाले को। अचार में थोड़ा मोटा मसाला ही अच्छा लगता है, वो मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। और नमक अपने स्वाद अनुसार, वैसे अचार में नमक थोड़ा तेज ही अच्छा होता है। ये देखिए, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए आप।
मैंने तो नमक और इसमें कलर लाने के लिए मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है। कश्मीरी मिर्च डाल दी है और गैस को बंद कर दिया मैंने। ये और इसके बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब ये हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया, सेहत के लिए फायदेमंद और खाने के साथ सब्जी यदि हल्की है, सादी सब्जी है, तो आप इस अचार के साथ आराम खाना पराठा खा सकते हैं, पूड़ी पराठे खा सकते हैं आराम से। देखिए इसमें आपके पास विनेगर हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं, और वैसे नींबू का रस, मैं तो नींबू का रस डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने नींबू का रस डाल करके और बढ़िया अचार हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको ठंडा होने तक मैं इसको बाउल में निकाल के रख लूँगी, फिर अचार शीशे के जार में मैं भर के रख दूँगी। ये आप कई दिनों तक इस अचार को खा सकते हैं। देखिए हमारा अचार बनके तैयार हो गया, ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको जार में भर के रख दूँगी। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये अचार बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा होता है, एक बार आप ज़रूर इसको बना करके खा के देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत अच्छा अचार है। थैंक यू।